चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉलिड स्टेट का कर रहे हैं 2019 जेई मेन का क्वेश्चन है 800 डिग्री सेंटीग्रेड कॉपर CU हैज FCC यूनिट सेल स्ट्रक्चर विद यूनिट सेल एज लेंथ ऑफ x एमस्ट्रॉन्ग व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट डेंसिटी ऑफ कॉपर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एटॉमिक मास ऑफ कॉपर वाज गिवन एज 63.55 U. अगर एटॉमिक मास ही दिया हुआ है तो डेफिनेटली मोलर मास क्या होगा अगर ग्राम में देखना चाहूं मैं तो मोलर मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 63.55 ग्राम. अब देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इट इज अबाउट डेंसिटी और ये मान के चलिए कि दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर क्योंकि सॉलिड स्टेट चैप्टर में से कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसी फार्मूले में से पूछे गए डेंसिटी वाले फार्मूले से. ठीक है और डेंसिटी वाले फार्मूले में सिर्फ दिक्कत ही आती है यूनिट की. ठीक है तो अगर मैं डेंसिटी देखूं यूनिट सेल की तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा और यूनिट सेल में कितने एटम्स है वो जेड हो गया इफेक्टिव एटम्स इंटू मास ऑफ वन एटम अपॉन वी. तो फार्मूला इसका जेड एम अपॉन वी. ये वन एटम का मास है जिसको मैं लिख सकता हूं जेड मोलर मास अपॉन एन ए इंटू वी. तो कंप्लीट फार्मूला अगर मैं देखूं तो वो होगा जेड एम अपॉन एन ए वी. है ना याद कर सकते हो जेड एम अपॉन एन ए वी. जेड नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स एम मोलर मास दिस एम इज मोलर मास. ठीक दिस वी इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एन ए इज एवोगाड्रोस नंबर और जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन वन यूनिट सेल एटम्स इन वन यूनिट से. तो हम आ जाते हैं कि हम यहां जो फार्मूला लगाने वाले हैं ये फार्मूला लगाने वाले हैं जेड अपॉन जेड एम अपॉन एन ए वी. अब अगर यूनिट सेल क्यूबिक है तो वॉल्यूम में कितना लिख सकता हूं ए क्यूब वेयर ए इज एज लेंथ वेयर ए इज एज लेंथ. अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है अगर एफसीसी दिया हुआ क्वेश्चन इस क्वेश्चन में था एफसीसी तो जेड हम कितना लेंगे 4. अगर किसी क्वेश्चन में सिंपल क्यूबिक आए तो हम जेड लेंगे 1 और अगर बीसीसी आए तो हम जेड लेंगे 2. तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करने वाले हैं कि जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम ले लिया हमने 4 मोलर मास कॉपर का 63.55 ग्राम एवोगाड्रोस नंबर एनए की वैल्यू 6.022 इंटू 10^23. अब अगली चीज मुझे लिखनी है कि वॉल्यूम यूनिट सेल क्या होगा. ठीक है तो एज लेंथ जो है वो मुझे दी हुई है एज लेंथ इज इक्वल टू एक्स एमस्ट्रॉन्ग. 1 एमस्ट्रॉन्ग होता है 10^-10 मीटर सेंटीमीटर में हो जाएगा 10^-8 सेंटीमीटर बिकॉज 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर. मैं इसको लिख सकता हूं एक्स इंटू 10^-8 सेंटीमीटर. तो ए की जो ये वैल्यू है इसे उठाकर मैंने रखा यहां पर. ठीक है यानी कि ये वैल्यू मैंने यहां रखी एक्स अपॉन एक्स इंटू 10^-8 होल क्यूब ये चीज आ जाएगी एक्स क्यूब इंटू 10^-24. अब फायदा क्या हुआ कि मास आ गया ग्राम में और जो वॉल्यूम आ गया वो आ गया सेंटीमीटर क्यूब में. ये आएगा इसको अपन डिवाइड करें सोल्व करें तो ये आ जाएगा 40 × 63.55 / 6.022. आगे सोल्व करेंगे तो 422 / x³ यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर. तो इस तरह के डेंसिटी के यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको यूनिट का खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा. कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती है इस तरह के क्वेश्चंस में लेकिन वो आप कर सकते हो इजीली अगर यूनिट दिमाग में रखते हो. तो अगर मान लीजिए डेंसिटी पूछी हो केजी पर मीटर क्यूब में तो क्या करेंगे ये जो मास ग्राम में इसको केजी में चेंज करेंगे और अगर मीटर क्यूब नीचे हो तो हम ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे. तो मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला ऑफ द सॉलिड स्टेट इज दिस जेड एम अपॉन एन ए वी और आपको इसमें यूनिट्स का खास तौर से ध्यान रखना है.